स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम फर्जी अस्पतालों के छापे तो मार रही है, लेकिन उन पर आंगली जामा पहनाती नजर नहीं आ रही। मतलब ये कि दो दिन पहले हयात हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जहां पर कई सारी कमियां पाई गई, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। और CMO सुबोध कुमार शर्मा ने ये भी कहा कि बिना जब तक लाइसेंस दोबारा से निर्बंध नहीं हो जाए, आप अपना अस्पताल चालू नहीं करेंगे। इन सारी बातों के चलते जब भी हयात हॉस्पिटल का दबंग संचालक मशहूर मुन्ना अपने आप में दबंगी दिखाते हुए, अस्पताल भी खुला हुआ है, मरीज भी हैं और स्टाफ भी है। हयात हॉस्पिटल संचालक दबंगी पर उतारू, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के बाद भी अस्पताल में सेवाएं दे रहा है, जबकि जिला अधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने हयात हॉस्पिटल पर छापा मारा था। यहां पर कई सारी कमियां पाई गई, जिसके चलते हयात हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इतना ही नहीं, संचालक को नोटिस दिया गया था कि जब तक अस्पताल में जो कमियां हैं वो पूरी ना हो जाएं, तब तक अस्पताल में ना तो कोई चिकित्सक कार्य करेगा और ना ही किसी मरीज का उपचार होगा। ये बात CMO डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर अस्पताल में मरीज चिकित्सक पाए गए तो संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन सारे आदेशों का उल्लंघन करते हुए संचालक हयात अस्पताल में चिकित्सक भी मौजूद हैं और मरीजों का उपचार भी हो रहा है। संचालक की इस हठधर्मी से ये साबित हो रहा है कि कहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों का तो आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि ये फरमान जिलाधिकारी महोदय का था, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों को भी स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसका नतीजा है कि सोमवार को भी जिस तरह से पहले हयात हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा था, उसी तरह से लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी अपनी सेवाएं दे रहा है। टुडे 24 के लिए रामपुर से कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद अली।